उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नंदा राजजात की कामयाबी के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को बधाई दी है। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम ने राजजात में बेहतरीन काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया और इस मौके पर राजजात का एक डाक कांवर भी जारी किया गया। डाक कांवर में सीएम ने कहा कि राजजात की सफलता से सेफ उत्तराखंड का मैसेज गया है और पूरे उत्तराखंड के लिए अच्छा संकेत है। सीएम ने कहा कि नंदा राजजात की कामयाबी सरकार की नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की कामयाबी है। अभूतपूर्व काम बहुत सफलतापूर्वक जिन लोगों ने संपादित करवाया उनके प्रति राज्य की ओर से धन्यवाद स्वरूप ये समारोह आयोजित किया गया और उनके सब टीम लीडर्स को हमने बुलाया था और अभी हम और जगहों पे जाकर के भी इस तरीके के समारोह करेंगे और जिन लोग भी इसमें जुड़े हुए थे उन सबको इस नंदा देवी राजजात भावना के साथ जोड़ेंगे। वही उत्तराखंड विधानसभा के उपाध्यक्ष और कर्णप्रयाग से कांग्रेस विधायक अनुसुईया प्रसाद मैखुरी ने नंदा राजजात को कैलाश मानसरोवर यात्रा की तर्ज पर शुरू कराने की मांग की है। मैखुरी ने कहा कि राजजात रूट पर 95 करोड़ की लागत से काम कराया गया है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। वही उत्तराखंड विधानसभा के उपाध्यक्ष और कांग्रेस विधायक अनुसुईया प्रसाद मैखुरी ने नंदा राजजात की तारीफ करी है। कैलाश मानसरोवर के तर्ज पर यह यात्रा शुरू करने की मांग की है। मैखुरी ने कहा कि राजजात रूट पर 95 करोड़ की लागत से काम कराया गया जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए टीवी 100।